कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने अपनी पार्टी के हरियाणा में संगठन नहीं बनने को लेकर बयान दिया है। शैलजा ने कहा कि पार्टी वर्कर्स और नेतृत्व से मजबूत होती है, मेरे कार्यकाल और उससे पहले भी संगठन नहीं बना, ये शीर्ष नेताओं की कमी रही, जो कि संगठन बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। हमारे जो लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, जमीन पर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की विचारधारा को जिन्होंने अपना रखा है और लोगों में कांग्रेस को मजबूती दे रहे हैं। लोगों में मजबूती तो हमारा जो वर्कर है वही देता है, लोगों के साथ दिन रात बैठता उठता है और हमारे जो मध्य नेतृत्व है सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम उनको पहचान नहीं दे पाए। इतने साल हुए हैं, इतने साल बीत गए हैं कि जो हमको अपना संगठन बनाना चाहिए था वो नहीं बन पाया। मैंने तो खुद कहा कि मेरा कार्यकाल भी निकला और संगठन नहीं बना, मुझसे पहले भी नहीं बना, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जल्द ही संगठन बनना चाहिए। अब ये तो कौन लोग हैं, एक या दो तो मैं कैसे कहूँ, कुछ ना कुछ तो कारण है। हमारी कमी रही है जो राज्य में हम सभी लोग जो नेतृत्व में हैं या किसी एक लेवल के हैं, ये तो सबको देखना पड़ेगा। पूरा विश्वास है कि हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट का चुनाव होगा और हम उस मेहनत करेंगे कि 10 की 10 सीटें हमारी आए हरियाणा से।